हाँ। चाचा की कॉलोनी आई थी कांग्रेस से थे कांग्रेस बीजेपी हाँ। का यही एक लड़का हाँ सच्चा ये बीजेपी का ही एक लड़का जिन्होंने इसकी इनकी कॉलोनी की रेड़ मार दी जिन्होंने अब ये ना इनकी कॉलोनी इनके हाथ से छीन ली बीजेपी वाले ने बीजेपी का ही हमारे कांट का ही हमारे मोहल्ले का समर्थक तो बीजेपी के समर्थक जो अब होगा ना अब इनके आका चले गए इनको मिली कॉलोनी मिली इनको इनको मिली अब क्यों मिली ये देखिए एक बताओ मैं क्या हम का पागल हैं क्या है? नहीं हम का पागल हैं तो कुल मिला के हम अगर कह ली जाए कि विधायक जी की जो रूपरेखा रही वो काफी सही नहीं किसी हद तक खराब इन्होंने केवल दलाली किया क्या ना उनके बिरादरों के अलावा और कोई नहीं कुछ नहीं अच्छा एक छोटी सी और बात बता दीजिए क्षेत्रीय बात बता दीजिए कि ऐसा तो नहीं कि विधायक जी ने क्षेत्र में कोई खास आदमी उसका ही विकास कराया बाकी जनता घास लेने गई केवल अपने अलावा किसी ने हमें अच्छा फिर आ गए हमें खुशी है योगी जी पे जिन्होंने भगवान राम जन्म पे पैसा लगाया अखिलेश ने नचनिया नचाई सफाई में चाचा एक बात बताइए एक सेकंड चाचा एक बात जब यहाँ पर वार्ता चल रही थी तो आप मैदान छोड़ के पीछे चले गए क्या उधर कोई पैकेज है बीजेपी का क्वेश्चन आंसर पीछे पीछे क्या नहीं पीछे क्या मैं दूसरे को मौका देता हूँ पीछे कोई फूक मारता है क्या कान में आप आके तब क्वेश्चन करते हैं नहीं नहीं हम जब ने बोलिए क्या लिख के लाए पर्चा बना के लाए लिख रहे हम मौका दिया अगले को बोलने का मौका दे मौका नहीं दिया इन्होंने जबरदस्त राम मंदिर में चंदा खा गया और बचा क्या फिर राम मंदिर में चंदा चला इन्होंने मंदिर बनवाया बहुत अच्छी बात है सरकार बहुत बढ़िया बात है मंदिर बनवाया लेकिन वो मंदिर भी भाई जो आज के युवा है वो वहाँ भीख मांगने के लिए बैठेंगे भीख मांगने के लिए बैठे क्योंकि रोजगार है ही नहीं तो क्या कह रहे कि मंदिर इसलिए बनवाया उसके बाहर कटोरा लेकर बैठे भैया कुछ भैया 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 अब यहाँ पर एक छोटी सी बात अब एक मिनट सरदार जी हमारे बीच में इनसे भी जान लेंगे किसान की अगर किसान का आंकड़ा कहीं सबसे पहले किसान का आंकड़ा अगर सबसे पहले जोड़ा जाता है तो किसान सरदार जी अगर किसानी सबसे पहले बात कर लीजिए सरदारों से शुरू होती है सरदार जो है हमारे क्षेत्र का सबसे पहले जो विकास की बात कर लें या किसी और चीज की बात करें तो सरदार जो होता है सबसे पहले फसल हर चीज में नंबर वन रहता है किसानी में क्या कहेंगे इस बार क्या आपके क्षेत्र तो किसानी फेल है तो सब फेल ही है छोटे शब्दों में बता दीजिए इस बार क्या होना चाहिए इस बार बदलाव होना चाहिए किसको सपा सपा को ला रहे हाँ जी विधायक किसको बना रहे राजेश वर्मा पक्का पक्का कह दें कि सरदार जी 100% आपको एक मौका देना चाहिए मानवेंद्र जी को एक मौका देना चाहिए कुछ विकास ही नहीं हुआ भाजपा में कुछ विकास हुआ किसान मौका क्या पता कि 5 साल में जो गलती करी अब एहसास हो जाए अब क्या मालूम मौका आ गया अब चूकने थोड़ी देंगे मौका आया गया फिर तो आप मालूम मौका मिले ना मिले कसर निकाल लेंगे भैया कुछ कह रहे बदलाव होना चाहिए समय समय पे बदलाव होना चाहिए भैया कुछ कहना चाहते नहीं भैया मानविंदर जी को एक बार मौका मिला अगर इस बार सुधर जाते तो अगली बार हो सकता है विधायक बन जाते हैं आगे का देख के आए नहीं देख के आए तो कुछ कह रहे ये कुछ कह रहे ये कुछ बोले जी भैया ऐसा है जहाँ जहाँ भी चकबंदी हुई है किसानों के इनमें भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है जहाँ जहाँ भी जिस गांव में चकबंदी हुई है हमारे गांव में वहाँ पे गरीब आदमियों को बिल्कुल रोज पे मतलब जो चकबंदी में जगह मिलती है वो बिल्कुल नहीं मिली है भैया का कहना है भैया का कहना छोटे भैया का कहना है कि एक बार विधायक जी को मौका देना चाहिए विधायक जी को मौका कैसे मिलेगा विधायक जी के जो भी मतलब उनके नीचे वाले हैं जो उनके एजेंट वगैरह हैं वो लोग तो सब तो काट रहे हैं विधायक जी को कैसे मौका मिलेगा जब आपका मतलब विधायक जी के साथ में देखो विधायक जी के पास भी शिकायत गई सबके पास शिकायत गई यानी कि जिले में कोई अधिकारी भी नहीं छोड़ा गया सबके पास शिकायत गई लेकिन बीजेपी सरकार में ऊपर तो योगी मोदी तो सही है लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ सब गड़बड़ हुआ ठाकुर बात पूरी तरीके से चल रहा है आपका रोल का विधायक बदल जाएगा विधायक तो गारंटी के साथ वकील साहब माननीय हमारे राजेश वर्मा जी करीब 1 लाख से ऊपर जीत में चल रहे हैं जीतना ही है उनको क्लियर जीतना है लो आप कह रहे मानविंदर को एक मौका देना चाहिए वो कह रहे 1 लाख से ऊपर नहीं मानविंदर को मौका दिया गया था लेकिन अब नहीं दिया अब राजेश वर्मा को विधायक होगा का तो हम कहते हैं कि कांट सिर्फ भैया कांट चकबंदी जय भैया सपा की है जहाँ भी चकबंदी हुई है वहाँ से वोट मिलना ही नहीं है जहाँ से चकबंदी हुई है बाकी साहब कोई संदेश हम पूरी दरोल विधानसभा में घूमते हैं पूरी दरोल विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ हमारा सबसे आगे वोट नहीं पड़ रहा है पूरी जनता चिल्ला रही है कि राजेश भैया हमारे गांव तो सभी लोगों का जिस तरीके से कहना हमारे गांव में चकबंदी हुई है वहां पर सारी जमीन दो ही चार आदमियों को मिली है बाकी मतलब जितनी भी कटती है ग्राम सभा की कोई भी ग्राम सभा की जमीन नहीं काटी है किसी को रोड नहीं मिला आप लोगों को अपना कीमती वक्त देने के लिए अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी संदेश बिल्कुल आपका संदेश ये आप दिखा के
एक संदेश ये दिखा के आप सीएम तक को पहुंचा दें। बिल्कुल हमारी कोशिश जारी है, बस आप लोगों का सहयोग है। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ में तबरेज़ आलम, शाहजहांपुर।